ठीक है, इस सिलसिले में आप हमें अपडेट कर रहे हैं। नईम असगर, इस सिलसिले में यह भी बताएगा कि ये फाइनल राउंड है मुलाकात का, इस मुलाकात के बाद सामने आ जाएगा कि मौलाना क्या करने वाले हैं। जो पार्लियामानी पार्टी का इजलास तलब किया गया था मौलाना की जानिब से, उसमें क्या सामने आया? हेलो हेलो नईम असगर, क्या आप हमें सुन सकते हैं? जी जी हेलो नईम असगर हमारे साथ है और इस सिलसिले में हमें अपडेट कर रहे थे तमाम तर सूरत हाल के बारे में। उसामा इकबाल बताएगा कि अब क्या गहमा गहमी आप देख रहे हैं, जो अहम मुलाकात हो रही थी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान, उसका क्या सामने आया आउटकम? देखिए अभी तक वो मुलाकात जो है वो जारी है, अभी तक कोई नतीजा जो आला क़यादत है वो शामिल हुई है और ज़राए के मुताबिक अभी तक यही पता चला है कि आइनी तरामीम जो है इसी के हवाले से मुशावरत अभी वहाँ पर चल रही है। इसके अलावा कौमी असम्बली में जो है वो हलचल बढ़ गई है, जो अरकान कौमी असम्बली हैं और सेनेट हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि जो कौमी असम्बली का इजलास था वो 4 बजे शुरू होना था लेकिन तहाल वो शुरू नहीं हो सका, अभी उसमें डिले है। इसके अलावा सेनेट का इजलास था वो भी अभी शुरू नहीं हो सका, जो सेनेट के ये अरकान सेनेट हैं वो भी आ रहे हैं। इसके अलावा दीगर जमातों के जो रहनुमा है वो भी कौमी असम्बली में पहुंचना शुरू हो गए हैं। जो आला क़यादत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वो अभी मुशावराती इजलास उनका जारी है जिसमें उन्होंने उसके बाद उन्होंने मौलाना फजलुर्रहमान की रिहाइशगाह जाना है, उनसे मुशावरत करना है। इसी तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है उनकी जो आला क़यादत है वो भी मुशावरत उनकी भी जारी है। इसके अलावा जो हुकूमती वफद है वो मौलाना फजलुर्रहमान की रिहाइशगाह पर पहुँच चुका है, जहाँ पर मौलाना फजलुर्रहमान के साथ उनके मुज़ाकरात अभी जारी हैं। जी जी मौलाना फजल रहमान के साथ उनके मुज़ाकरात जारी है। उसामा ये बताइएगा कि मौलाना साहब की जानिब से कहा गया था कि हमारी तजावीज़ शामिल होंगी तब भी हम गौर करेंगे, तो क्या ऐसी इतलात सामने आई हैं कि उनकी तजावीज़ को शामिल कर लिया गया है, और वो क्या तजावीज़ हैं ये मालूम हो सका है? देखिए अभी तक ये नहीं मालूम हुआ कि क्या तजावीज़ थी जो मौलाना फजलुर्रहमान ने उनको दी हैं और क्या हकूमती वफ्त ने वो मानी है या नहीं, लेकिन फ़िलहाल जो है वो हकूमती वफ्त उनसे मुज़ाकरात के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंचा है, जहां पर ये हतमी जो एक राउंड है वो जारी है जिसमें ये मुज़ाकरात होगी पाकिस्तान हकूमत के दरमियान और साथ में मौलाना फजलुर्रहमान के दरमियान। ये एक इनका फ़ाइनल राउंड है जिसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वफ्त है वो अपना फ़ाइनल राउंड खेलने मौलाना फजलुर्रहमान की रिहाइशगाह पर जाएगा। तो अभी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा, लेकिन मौलाना फजलुर्रहमान की जानिब से जो तजावीज़ पेश की नहीं वो अभी तक सामने नहीं आई। जी सही। उसामा, एमकेएम के वफ्द के साथ जो मुलाकात हुई थी हुकूमती वफ्द की, उसका क्या सामने आया? देखिए हुकूमती वफ्द की और एमकेएम के दरमियान मुलाकात हुई थी जिसमें फारूक सत्तार ने भी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि हमें भी जो वो मसौदा है वो नहीं दिखाया गया, जो ड्राफ्ट था वो उनको भी नहीं बताया, लेकिन कुछ चीदा बातें उनको बताई गई थी जिनमें उन्होंने कुछ 4-5 पॉइंट्स कहे थे कि हमें सिर्फ 4-5 पॉइंट्स ही पता हैं। जिसके बाद हुकूमती वफ्द जो है उनकी और एमकेएम के दरमियान मुलाकात हुई है जिसमें उन्होंने ज़राए के मुताबिक मसौदा जो है वो बताया है, ड्राफ्ट दिखाया है, जो पॉइंट्स हैं बाकायदा वो भी बताए हैं एमकेएम को। तो वहाँ पर यह मुलाकात जो थी वो ख़त्म हो गई थी, लेकिन फारूक सत्तार की जानिब से पहले इस बात का इंकशाफ किया गया था कि उनको भी ये जो आइनी तरमीमी बिल के जो सही। उसामा इकबाल, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा, हम अपने नाज़रीन